वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आईकैप की आटम 2019 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फराज लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बारी लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ट्रांजेक्शन FL और BL के दरमियान हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ FL हैज ऑथराइज हसन अली एन एग्जेक्टिव डायरेक्टर टू निगोशिएट द फाइनल प्राइस विद BL सारा अली हु इज चीफ एग्जेक्टिव इन BL इज स्पाउस ऑफ हसन अली। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हसन अली टूवर्ड्स FL अंडर द अबव सर्कमस्टांसिस। तो यहां पे सिचुएशन ये है कि स्पाउस के साथ ही ट्रांजेक्शन आपने निगोशिएट करनी है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर का उस ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट और कंसर्न है, और ऐसे में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत भी है। और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगला फैक्टर ये है कि सर्टन रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई होंगी हसन अली पर एज डायरेक्टर, कि वो डिस्कशन में हिस्सा ना लें, वोट ना दें वगैरह वगैरह। तो इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि हसन अली एक डायरेक्टर हैं तो वो शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं, उनका फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है उनके साथ, और इसका मतलब है कि उन्हें गुड फेथ में और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के अंदर ही तमाम कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन में इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव इन BL हैं, और अगर किसी डायरेक्टर की डायरेक्ट इंटरेस्ट ना भी हो और उनकी स्पाउस पेरेंट्स और चिल्ड्रन का उसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी इंटरेस्टेड ही समझा जाता है। तो एक तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, स्पाउस की वजह से वो इंटरेस्टेड कंसिडर होंगे। दूसरी बात यह कि यहाँ पर क्योंकि एक कंपनी के साथ ताल्लुक है तो वो इसका एक जनरल नोटिस दे सकते हैं, यानी बार बार ट्रांजैक्शन होने में उन्हें देने के बजाय एक जनरल नोटिस दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हसन अली शुड गिव अ जनरल नोटिस टू द इफेक्ट दैट टू ऑल अदर डायरेक्टर दैट ही शुड बी रिगार्डेड एज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इन टू विद BL, कि जी वो कहें कि जी BL के साथ बारी लिमिटेड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें उनको इंटरेस्टेड और कंसर्न ही समझा जाए। और ऐसा नोटिस उन्हें कब देना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में देना चाहिए जब ये मैटर फर्स्ट टाइम अंडर कंसिडरेशन आता है, तो वो उसी टाइम पर उनको ये नोटिस दे देना चाहिए। जब वो अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं ट्रांजैक्शन में तो उन्हें एक तो डायरेक्टर्स की डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और उन्हें इस मामले पर वोट भी नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली वो इवन मीटिंग के अंदर कोरम के लिए भी काउंट नहीं होंगे फॉर दिस मैटर, क्योंकि ये क्लियरली फराज लिमिटेड प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनी है, तो इनके ऊपर एक्सेप्शन तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर पर ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होते जो ना किसी लिस्टेड कंपनी, ना किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, ना किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग हो। तो ये तो खुद ही पब्लिक है तो इस पर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, तो इन पर ये रिस्ट्रिक्शन डेफिनेट अप्लाई होंगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है कि जो FL है वो लिस्टेड कंपनी है या नहीं। अगर FL लिस्टेड कंपनी है तो फिर उनको हसन अली के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि हसन अली शैल नॉट बी प्रेजेंट वाइल द मैटर इज बीइंग कंसीडर्ड एट द बोर्ड मीटिंग। ये लेकिन जो हमने आखिरी लाइन में ये रिस्ट्रिक्शन लिखी है ये सिर्फ तब अप्लाई होगी अगर FL लिस्टेड कंपनी हो, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।